अज्ञात मित्र के साथ में एक दिन पुरंजन भ्रमण कर रहे थे। जैसे ही उस नगरी में उसने प्रवेश किया तो वहां पर एक सुंदर स्त्री उसे दिखाई पड़ी। तो पुरंजन ने कहा, क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें? बोले, बिल्कुल कर लीजिए। बोले, मेरा नाम पुरंजन और तुम पुरंजनी। पुरंजनी जो कहे वो वही करे। जिनके घर में पति पत्नी और बच्चे हैं, द सेम स्टोरी। और दूसरे रूप में इसको कहें तो यही मोह भी है। और जरा ने जब आक्रमण कर दिया, सैनिक भाग गया, इन सैनिक शिथिल हो गए, स्त्री का स्मरण करते हुए वो मरा, तो अगले जन्म में वो स्त्री ही बना। पुरंजन की कथा सुनाई देवऋषि नारद ने, पुरंजन की। और ये कथा बड़ी सुंदर है, पुरंजन की कथा। एक अविज्ञात मित्र के साथ में एक दिन पुरंजन भ्रमण कर रहे थे। तो पुरंजन ने अविज्ञात मित्र से कहा कि मेरा मन कर रहा है मैं कुछ भ्रमण करके आऊं। अरे बोले, रहने दो, कहां भ्रमण करने जाओगे, यहीं हमारे पास रहो। बोले, नहीं, हमारा बहुत मन कर रहा है, हमारा मन कर रहा है हम भ्रमण करके आ। बोले, ठीक है, जल्दी आ जाना, अगर तुम नहीं मानते हो तो चले जाओ, भ्रमण कराओ, फिर लौट के आ जाना जल्दी। बोले, ठीक है। वो चले गए भ्रमण करने के लिए। जब गए पुरंजन, तो अनेकों गांव, अनेकों शहर, अनेकों नदी, अनेकों पहाड़, अनेक अनेक जगहों पर गए। हजारों लाखों गांव देखे उसने, पर कहीं उसका मन नहीं लगा। अचानक से एक शहर में गया, वहां पर उसे नौ द्वारों की एक नगरी दिखाई पड़ी, जो बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी वो नगरी। उस नगरी में उसने प्रवेश किया। जैसे ही उस नगरी में उसने प्रवेश किया तो वहां पर एक सुंदर स्त्री उसे दिखाई पड़ी। दिखने में बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। उस स्त्री को देखते ही पुरंजन मोहित हो गया और मोहित होकर उसे पूछने लगा, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? बोली, ये तो मुझे नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस नगरी की मालकिन, स्वामिन मैं हूं। यहां वही होता है जो मैं चाहती हूं, यहां मेरा ही कहा हुआ चलता है, इतना मुझे पता है। नाम मुझे नहीं पता, मेरा नाम मुझे नहीं पता। बोले, देवी बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। कहो। बोले, तुम बहुत सुंदर हो, बरवस मेरा मन तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहा है। उस स्त्री ने कहा कि कम सुंदर तो तुम भी नहीं हो, बहुत सुंदर तुम भी हो, मेरा भी मन तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो पुरंजन ने कहा, क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें? बोले, बिल्कुल कर लीजिए। तो उस पुरंजन ने उस स्त्री से शादी की। बोले, मेरा नाम पुरंजन और तुम पुरंजनी, नामकरण भी हो गया, शादी कर ले। पुरंजन उस पुरंजनी के मोह में, प्रेम में बंधता ही गया। इतना प्रेम उसको करता है, इतना प्रेम उसको करता है, कुछ पूछो ही नहीं। हमेशा पुरंजनी खावे तो वो खावे, पुरंजनी भ्रमण पे जावे तो वो संग जावे, पुरंजनी नाचे तो वो नाचे, पुरंजनी रोवे तो वो रोवे, पुरंजनी सोवे तो वो सोवे, पुरंजनी उठे तो वो उठे, पुरंजनी जो कहे वो वही करे। जिनकी शादी हो गई है वो थोड़े शादी के शुरुआती दो तीन चार महीने में चली है लौट के। जिनकी शादी हो गई है वो शादी के शुरू के दो तीन महीने देखिए कैसे थे आपकी लाइफ के। याद कीजिए ना, शादी हो गई, पापा कह रहे काम पे जा, सुबह लेट उठ रहे हैं, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा है। और जब जा रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं, ए जी जा रहे हो? बोले, हाँ हाँ जा रहे, काम पे तो जाना पड़े, थोड़ा जल्दी आ जाना ऑफिस से। बोले, गलत फहमी, ऑफिस नहीं है, नौकरी है हमारी,
हाँ बोल तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा बोले तो तुम खुद का काम करते हो। हाँ वो शादी कराने के चक्कर में झूठ बोल दिए होंगे पापा। कोई काम वाम नहीं, हम नौकरी करते हैं। ठीक है, शाम को जल्दी आ, और जब बॉस छोड़ देंगे, बोले कोशिश करना। ठीक, अब काम पे चले गए, और जब तक घर ना आ जाए तब तक देखो कहाँ पहुंचे, कहाँ गए, आ रहे हैं, कहाँ, कितनी देर तक पहुंच जाओगे। वो कोई 10-15 मिनट लगेंगे, 16 में मिनट पे फिर से कॉल, दरवाजा खोलूं क्या, अभी मत खोलो, रोड पे ट्रैफिक बहुत है, तुम जानते नहीं कानपुर है ये तुम्हारा गांव नहीं है कि झट से घर पहुंच जाओ, कानपुर है, समय लगेगा। अच्छा कितने मिनट और, कैसे बताएं, और 10 मिनट। अच्छा फिर 11 में मिनट पे कॉल, दरवाजा खोलूं क्या, बंद कर लो, कहा है, बोले अभी थोड़ा लगेंगे 5 मिनट और। कितने कॉल आ गए, कितने कॉल आ गए, अब जब नई नई शादी होती है तब, और उस नई शादी होने के बाद तो गाड़ी होते सोते गाड़ी में नहीं, फिर बाइक पे घूमने, घूमो रसमलाई खाओ भैया। और जब है शादी के 3-4 साल हो जाए उसके बाद, आज मन नहीं कर रहा है काम पे जाने का, चले जाओ, काम पे नहीं जाओगे तो बच्चा क्या खाएंगे, यहीं पड़े हो 1.5 महीने से, कुछ करो। शादी के वो दिन, वो फिर बाद के दिन, और फिर 10 साल की तो चर्चा भी नहीं कर सकते साहब, बहुत वो, मतलब वो तो करनी ही नहीं चाहिए। आफ्टर मैरिज 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स वो चर्चा मत कीजिएगा, वो घर में ही दबा, उसके लिए दरवाजा बंद रखो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और देखो भैया, गृहस्थी कथाकारों से साथ कथा सुनना इसलिए भी लाभदायक है, हम लोग गृहस्थी हैं, सब जानते हैं एक दूसरे घरों की बात, और घर में सब में वही होता है जो तुम्हारे में, हमारे में, सब में। अरे हमारी तुम्हारी छोड़ो, नारायण के घर में भी जी होता है, जिनके घर में पति पत्नी और बच्चे हैं, द सेम स्टोरी। वो थोड़ा तो बड़े लोग थोड़ा स्टाइल में लड़ते हैं, मिडिल क्लास थोड़ा और अजीब तरीके से लड़ते हैं, जो जिन पे थोड़ी कम अभाव है वो थोड़ा खुल के लड़ते हैं, और क्या, वो थोड़ा दम लगा के पूरा लड़ते, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब जिनकी शादी नहीं हुई वो कहाँ जाने, नहीं, राधे राधे। और दूसरे रूप में इसको कहें तो यही मोह भी है, स्त्री को पुरुष से मोह होता है और पुरुष को स्त्री से मोह, ये बात है बस। तो मेरे प्यारे, 10 सैनिक, 5 फन वाला एक सर्प वहां उस नगरी की देखभाल करता है, और एक सेनापति। एक दिन जरा ने आक्रमण कर दिया, और जरा ने जब आक्रमण कर दिया, पहले तो 5 फन वाले उस सर्प को, रक्षक को घायल किया, सैनिक भाग गया, इन सैनिक शिथिल हो गए, पुरंजन को समाप्त कर दिया। मरते हुए वो सोच रहा था, मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी पुरंजनी का क्या होगा, अंत मति सुगति, जैसे व्यक्ति मरता है और उसकी अंतिम मति होती है, अगले जन्म में उसकी वैसी गति होती है। स्त्री का स्मरण करते हुए वो मरा तो अगले जन्म में वो स्त्री ही बना, और एक राजा मलयध्वज जिसके साथ उसका विवाह हुआ, उसको भी किसी राजा ने मार दिया, तो पहले सती हुआ करती थी, उसका सर लेकर वो सती होने जा रही थी, सर लेकर, उसी समय
उनके जो अभिज्ञात मित्र थे उसकी तलाश में चले। मेरा मित्र नहीं आया। मित्र की तलाश में देखा तो वो मित्र स्त्री बना हुआ और वो गोविंदाय नमो नमः अपने आप को सती बना रहा है। तो जैसे तैसे ज्ञान देकर उसके मन में ज्ञान जागृत किया और ज्ञान जागृत करके उसे ये बताया कि तुम क्यों इन रिश्तों के झंझटों में पड़े हो, मैं ही तुम्हारा मित्र हूं, सच्चा मित्र हूं और तुम ही मेरे मित्र हो। तुम भ्रमित, तुम्हें दुख मिला तो सिर्फ तुम्हारे भ्रमण करने की स्थिति से तुमको दुख मिला। उस स्त्री को बात समझ में आ गई और वो हमेशा हमेशा के लिए सुखी होकर अपने उस अभिज्ञात मित्र के साथ चली गई। वो अभिज्ञात मित्र कोई और नहीं, परमात्मा ही है। वो पुरंजन कोई और नहीं, मैं और आप हैं। नौ द्वारे वाली ये नगरी कोई और नहीं, ये हमारा शरीर ही है। दो नेत्र, दो नासिका, एक मुख और दो श्रवण, कितने हुए? सात। और दो गुप्त, ये नौ द्वारे की ये नगरी है। और वो स्त्री कौन है सुंदर? बुद्धि, वो सुंदर स्त्री है जिससे जीव जाकर सबसे पहले आप उसके साथ वरण करता है। जरा कौन है? बुढ़ापा। दस सैनिक, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, सेनापति मन, पंच फन वाला वो सर्प, हमारे पंच प्राण, जो मन करता है, जो इंद्रियां कहती हैं, हम वही करते रहते हैं। आज भोजन कर, स्वादिष्ट भोजन करने का मन कर रहा है, आज कुछ सुनने का मन कर रहा है, आज कुछ स्पर्श करने का मन कर रहा है, आज कुछ सुगंधी लेने का मन कर रहा है, आज कुछ बोलने का मन कर रहा है। इंद्रियों के विवश होकर ही हम अपने पूरे जीवन बिता देते हैं। लेकिन जब जरावस्था आती है तो अचानक से आक्रमण करती है। आपको आपका बर्थडे मालूम है? जोर से बोलिए। बर्थडे डेट मालूम है? मैरिज डेट मालूम है? स्कूल से जिस दिन वो रिजल्ट की कॉपी मिली थी वो डेट मालूम है? मालूम है, अधिकांश सबको मालूम है सब चीज। लेकिन आपको मालूम है आपने बुढ़ापा किस दिन, बुढ़े होने किस दिन शुरू किया था मालूम है क्या? किस दिन पैदा हुए मालूम है? कब शादी हुई मालूम है? बच्चे कब हुए मालूम है? किस दिन उनको स्कूल ले गए मालूम है? सब धीरे धीरे मालूम है, लेकिन बूढ़े होना किस दिन शुरू हुआ किसी को मालूम है? अचानक से आती है, अचानक से आक्रमण कर देती है और मन है कि मानता ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज मन में और आत्मा में अंतर क्या है? मन क्या है? बोलो मन क्या है? मालूम है कि नहीं? मन का कोई रूप है, आकार है? बताऊं, जो दिन रात बिना रुके हमारे मन में इच्छा, हमारे हृदय में जो रोज नई नई इच्छाएं उठती रहती हैं वही मन है, उसका कोई आकार नहीं है। जो इच्छाएं उठती रहती हैं जैसे सागर में हिलोर उठती रहती हैं, लहरें उठती रहती हैं, सागर से अलग नहीं है वो लहरें, लेकिन उनको हम लहरों के नाम से जानते हैं। ठीक वैसे ही हमारे जो अंदर नए नए विचार उठते रहते हैं, नए नए भाव उठते रहते हैं, नई नई इच्छाएं उठती रहती हैं, वही जो है वो जो है वही मन है। और उन्हीं इच्छाओं में, उन्हीं भावनाओं में जीव खोकर अपना पूरा जीवन लगा देता है। कभी तो वो स्थिति आ जाए, कभी तो वो घटना घटे जिस दिन मेरे मन में ये इच्छा हो, क्या एक मन की ऐसी प्यारी इच्छा जिसे मैं मन भी कह सकूं, सुंदर इच्छा भी, कि अब हरि मिलन होगा कैसे, प्रभु से मिलन कैसे हो, ये प्यारी इच्छा जिस दिन मन में जग जाएगी वो मन भी धन्य हो जाएगा, वो इच्छा भी धन्य हो जाएगी। तो पुरंजन की ये कथा, हम सभी पुरंजन हैं, अभिज्ञात मित्र सर्वेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा ही हमारे मित्र हैं, कोई और नहीं। संसार में आना जाना लगा रहना ये तो रहेगा ही, लेकिन हमारा सच्चा मित्र हमारा जगतपति है, ईश्वर है, कोई और नहीं है। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से।